कितने ऐसे लोग होंगे जो सड़क पर बहते हुए पानी को देखकर रुकते होंगे, उसका वीडियो बनाते होंगे, और नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो वीडियो टैग करते होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, लेकिन हैं, बिल्कुल कुछ तो लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं उन परेशानियों के बारे में कि अगर पानी बह रहा है और अगर पानी इसी तरीके से बहता रहा तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा, इस पानी को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। तो वो व्यक्ति उसका वीडियो बनाता है और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता है, और जब तक पानी का बहना बंद नहीं हो जाता वो प्रतिदिन उस वीडियो को अधिकारियों को टैग करता है। ना केवल पानी की समस्या, सड़क की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, कर्मचारी हित की समस्या हो, उमाशंकर तिवारी की हम बात करेंगे, वही ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार काम कर रहे हैं ऐसी समस्याओं को ख़त्म करने को लेकर। तो देखिए किस तरीके से दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बनाकर उसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है उमाशंकर तिवारी ने। मैंने एक संकल्प लिया और मेरे परिवार से ही संकल्प लिया कि जिस शादी और समारोह में जहाँ भी या कोई गमी का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, अगर वहाँ पे डिस्पोजल होगा, प्लास्टिक होगा, और वहाँ पे अगर एक चम्मच भी होगी तो हम लोग वहाँ भोजन नहीं करेंगे। एक दिन में ना तो सिस्टम में बदलाव हो सकता है और ना ही एक दिन में कोई समस्या खत्म हो सकती है। कई बार यही सोच के चलते परेशानी को खत्म करने को लेकर हमारे द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए जाते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यही सोचते हैं कि जब परेशानी हमारी नहीं है तो हम परेशान क्यों हों। दूसरे की परेशानी को देखकर हंसने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में उमाशंकर तिवारी जैसे लोगों की भी कमी नहीं है जो यह नहीं सोचते कि काम मेरा नहीं तो मैं क्यों परेशान हूँ। उमाशंकर तिवारी तो ऐसे विरले लोगों में से हैं जो समस्या का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक समस्या ही खत्म ना हो जाए। तो मिलिए ऐसे व्यक्ति से जो आपको मिल जाएंगे जहाँ बेमतलब पानी बह रहा होगा, जहाँ सड़क ना बनी हो, जहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा हो। दूसरों की मदद के लिए आपने प्रयास कई बार किए होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उमाशंकर तिवारी जी से, जो जब भी सड़क से गुजरते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने घर जाते हैं, जिन्हें अगर कोई पानी की समस्या नज़र आती है, नाली की समस्या नज़र आती है, तो तत्काल उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसे CM हेल्पलाइन के साथ ट्वीट भी करते हैं और शिकायत भी करते हैं, और शिकायत ही तब तक करते हैं जब तक उसका कोई निराकरण नहीं हो जाता। तो आज हमारे साथ उमाशंकर तिवारी, इसके साथ भी कई और भी खासियत उनकी जो खुद ही बताएंगे, हम भी कुछ उनसे सवाल करेंगे। तो सर, ये शुरुआत कब से हुई लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उसका निराकरण कराने की कोशिश? देखिए, मैं पहले, मेरी मिलिट्री और पुलिस में जाने की बहुत इच्छा थी, मैं कुछ गया भी था उसमें, मैंने भाग भी लिया था, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो फिर मेरे को लगा और मैंने कुछ लोगों को वास्तव में पढ़ा और मेरे को जीवन में बदलाव 20 साल पहले आए, भर्ती तो बहुत पहले होने गया था, लेकिन 20 साल पहले जो बदलाव आए कि अगर आदमी, जरूरी नहीं कि सिपाही हो, हर आदमी सिपाही नहीं हो सकता। तो आपने सुना कि किस तरह से उमाशंकर तिवारी समाज को नहीं बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि समाज भले ना बदले लेकिन समस्याएं तो कम से कम खत्म हो जाएं। लेकिन एक समस्या भी है, ऐसे लोग अकेले भी पड़ जाते हैं। सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं, हमने देखी भी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। यही कारण है इनके साथ भी लोग जुड़ते गए। हम जब से इस कॉलोनी में आए तो सबसे पहले तो हम पॉलीथीन विहीन करना चाहते थे इस कॉलोनी को, तो गली गली की हम पूरी पॉलीथीन बीनते थे और इकट्ठा करके फिर एक जगह डिस्पोज करते थे, क्योंकि उस समय डोर टू डोर नहीं था। दूसरी चीज, कार्ड अभियान, कि बच्चों की शादी में कार्ड ना छपवाएं। तो हमें तिवारी जी ने पहले संकल्प लिया कि, और बताया भी कि भाई ये कार्ड से बहुत नुकसान होता है, घर घर जाके कार्ड बांटना और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो मेरी बेटी की शादी में उनने कहा था कि भाई इतना छपाओ तो ज़्यादा अच्छा। मैंने डिजिटल कार्ड बनवाए और घर घर में जाके मैंने सबको व्हाट्सएप और इसके मोबाइल के माध्यम से मैसेज से दिया है। तीसरी चीज़, दहेज की बात है तो दहेज का सही है, दहेज के विरोध में हम लोग भी है। मेरी बेटी की भी शादी में मैंने कोई दहेज नहीं दिया, न मेरे समधी पक्ष से कोई ऐसा ऑफर आया कि आपके यहाँ से दहेज या ऐसा कोई किया जाए। जब बदलाव की कोशिश हम शुरू करते हैं तो परेशानियाँ भी बहुत आती हैं। उमाशंकर तिवारी दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। शादी समारोह में जहाँ आतिशबाजी होती है वहाँ ये जाते नहीं हैं। और तो और, प्लास्टिक थाली में खाना जहाँ खिलाया जाता है
उसके कार्यक्रम का भी सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करते हैं। ऐसे में खुद बेटियों के पिता होने के कारण परेशानियां भी आईं। सुनिए क्या कहते हैं उमाशंकर तिवारी। आपकी बेटियों के लिए रिश्ते भी आए, लेकिन दहेज प्रताड़ना, जो दहेज होता है आप उसके भी खिलाफ खड़े रहे। प्लास्टिक में खाना, जो स्टील की थाली में खाना खिलाने की बात की थी, वो क्या था? देखिए, वो ये था कि अभी हम लोग प्लास्टिक विहीन की बात करते हैं, सरकार ने भी रोक लगा दी है प्लास्टिक पे, और जो प्लास्टिक की बोतलों पर केंद्र से लेकर राज्य तक रोक लग चुकी है। लेकिन हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और माननीय मंत्रीगण की बैठकों में उसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। एक रोक लगाना जब तक सफल नहीं होगा, जब तक हम उसे पालन नहीं करेंगे, तो हमारे से मिलने वाले, मैंने एक संकल्प लिया और मेरे परिवार से ही संकल्प लिया कि जिस शादी और समारोह में जहाँ भी या कोई गमी का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, अगर वहाँ पे डिस्पोजल होगा, प्लास्टिक होगा, और वहाँ पे अगर एक चम्मच भी होगी, तो हम लोग वहाँ भोजन नहीं करेंगे। और यह समिति के तहत हमने एक बड़ा अभियान बनाया, तो इसके तहत जो मुहिम चलाई अपना दहेज के लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो वो दहेज के लिए ये कि हम लोग क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी तो वो जीवन भर इस जुगाड़ में रहता है कि मेरी बच्ची की शादी करना है, तो वो रिश्वतखोरी में लग जाता है कि मेरा दामाद आएगा या हजारों रुपए की थाली खिलाऊंगा, बड़े से बड़े होटल में करूंगा, तो दहेज वो लेने की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। एक शुरुआत तो उस ख़त्म करने के लिए पहले से सोच लिया था कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, और दहेज के खिलाफ थे क्योंकि कन्याओं को जो मारा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेटी के माँ बाप की सोच से ही वो लालची लोग आगे बढ़ जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो बेटियाँ जलाई जाती हैं, कहीं मार दी जाती हैं, और वो हम उनकी भूख शांत नहीं होती। अगर हम पहले से ये निर्णय ले लें कि हम बेटी की शादी करेंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे, लेकिन दहेज नहीं देंगे, तो समाज में ऐसे लोग तैयार होते चले आएंगे जो बगैर दहेज के शादी करें। मुश्किलें नहीं आई, सामाजिक बहिष्कार की खबर नहीं मिली? बहुत मुश्किलें आई थी, और खासकर मेरे अपने रिश्तेदारों ने और मेरे दोस्तों ने और कई लोगों ने इसका उपहास भी किया, मेरे को मजाक भी बनाया गया, लेकिन मैं अपने जिस संकल्प को ले लिया था उस पर अडिग रहा, और ऐसा परिवार मिला। और एक और था हमारा कि जिस घर में जहाँ फटाके चलेंगे बारात में, उस घर में भी शादी नहीं करेंगे, ये भी मेरा संकल्प था। तो ऐसे 3 से 4 बड़े रिश्ते भी हमारे टूटे, और घर वाले भी पूरे निराश हो गए थे, लगता था सभी लोग कह रहे थे अब तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मिलने वाले भी कह रहे थे, लेकिन मेरे को भगवान ने और अच्छे लोगों का एक साथ था कि वो ऐसा परिवार मिला जहाँ मेरे जो सारे संकल्प थे वो पूरे हुए। और उन संकल्पों के कारण मैं चाहता हूँ हर आदमी पूरा कर सकता है, उसमें कोई अलग से बात नहीं की मैंने, कुछ अलग नहीं किया, लेकिन जो किया वो सही तरीके से किया, सच्चाई का साथ दिया। बेटी की बात होती है, एक बेटी का पिता होना बहुत मुश्किल होता है, उसकी शादी, फिर इस तरह के संकल्प लेकर भी इन्हें एक अच्छा परिवार मिला, आज भी इनकी बेटी खुश है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ वैभव गुप्ता, अनादी टीवी, भोपाल। अभी कुछ समय पहले तक कटारा हिल्स की 2 लाख की आबादी को अच्छी सड़क मिल सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं के प्रयासों के चलते नगर निगम ने सड़क के लिए राशि आवंटित कर दी है। इस सड़क के लिए लड़ाई सबने मिलकर लड़ी है। कुछ ऐसे ही लोगों से हमने जाना उमा शंकर तिवारी के बारे में। तिवारी जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी व्यक्ति हैं, जो कि अभी अपने 20 साल से हम कॉलोनी में रह रहे हैं, जब से ही समाज सेवा कर रहे हैं। और जो जो उन्होंने बताया है डिस्पोजल का या शादी विवाह में फटाके अटाके आदि ये सब चीज़ें वो नहीं करते हैं, ना ही करने देते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे की भी शादी हुई थी, इन्होंने मना कर दिया था, यदि आपके बच्चे की शादी में आप इन चीज़ों का उपयोग करोगे या फटाके फोड़ोगे तो मैं बारात नहीं जाऊँगा। हमने फटाके भी नहीं फोड़े, ना डिस्पोजल किए, बाकायदे बारात गए, शादी हुई, तो इनका संकल्प जो ले लेते हैं वो पूरा करते हैं। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, कुछ ऐसा ही अब तक हुआ है उमा शंकर के साथ। भोपाल की सड़कों की खराब हालत में सुधार की बात हो या बहते पानी को रोकना, कर्मचारियों की समस्या हो या फिर कोई भी परेशानी हो, आपको उमा शंकर तिवारी मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए नजर आ जाएंगे, और फिर उस समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन से लेकर हर स्तर तक जाएंगे, जब तक समस्या खत्म नहीं हो जाती है। जब मैं देखता हूँ पानी बह रहा है, अब उधर से हजारों लोग गुजरते हैं, जब वो गड्ढा है और पानी बह रहा है, उसके लिए मैंने जब मोबाइल आ गए हाथ में, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में जब मोबाइल है तो हर आदमी एक काम कर सकता है देश हित के लिए, समाज हित के लिए, वो मैंने ये सोचा। लेकिन 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे, लेकिन उस समय मैं पत्राचार करता था, अधिकारियों से जाकर मिलते थे, उनके संज्ञान में लाते थे। जब हमने ये सोचा कि सिपाही बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मिलिट्री में जाएँ या पुलिस में जाएँ, हर आदमी सिपाही का काम कर सकता है, वो अपने संसाधन बचा के, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क के गड्ढे हैं, अगर कहीं कोई पेड़ कट रहा है, कहीं कोई कचरा जला रहा है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक हमारा अभियान चला, और उसमें लोग जुड़ते चले आ रहे हैं, और हम लोग निवेदन करते रहते हैं शासन से, उसको लेकर ही हमारा ये अभियान है, वो सतत चल रहा है और आगे भी चलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक जीवन है समस्याएँ कम नहीं होंगी, लेकिन उन समस्याओं को कम करने के लिए हमारे जैसे लोग आगे आएँ। मैंने एक संकल्प लिया
और मेरे परिवार से ही संकल्प लिया कि जिस शादी और समारोह में यहाँ भी या कोई गमी का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, अगर वहाँ पे डिस्पोजल होगा, प्लास्टिक होगा और वहाँ पे अगर एक चम्मच भी होगी तो हम लोग वहाँ भोजन नहीं करेंगे। उमाशंकर तिवारी ने सोचा था कि वो पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, किस्मत ऐसी रही कि दोनों जगह नहीं जा पाए, लेकिन चूंकि अब सपना देखा था तो एक अनुशासन की बात की जाती है आर्मी में, पुलिस में, और दोनों का ही काम कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का है। तो ऐसे में एक कर्मचारी होते हुए शंकर तिवारी कानून का पालन करवाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक दूरियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, प्लास्टिक की थाली में खाना नहीं खाते, तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी इनको करना पड़ता है, कई बार लोगों ने इनको धमकियाँ भी दी हैं समस्याओं के एवज में, समाज से भी कई बार चुनौतियाँ मिली हैं, लेकिन ये विरले व्यक्ति हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक दिन तो समाज जागृत होगा, जो मेरे साथ खड़ा होगा। हालांकि लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब भीड़ उमा शंकर तिवारी के पीछे खड़ी होगी और समाज बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा होगा। ये तो थे उमा शंकर तिवारी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऐसे एक छोटे से शहर नीमच की, एक शिक्षक की, उनके स्टूडेंट्स की, जो विश्व पटल पर इस छोटे से शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने एक संकल्प लिया और मेरे परिवार से ही संकल्प लिया कि जिस शादी और समारोह में यहाँ भी या कोई गमी का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, अगर वहाँ पे डिस्पोजल होगा, प्लास्टिक होगा और वहाँ पे अगर एक चम्मच भी होगी तो हम लोग वहाँ भोजन नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके।